एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनाज रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खड़े मसालों की चिकन की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और झटपट से बनके तैयार होने वाला चिकन। चलिए देख लेते हैं कैसे मैंने इसे बनाया। खड़े मसालों का चिकन बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लिया है, इसको अच्छे से गर्म करना है। मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, इसमें सरसों के ऑयल का फ्लेवर अच्छा आता है। इसके बाद साबुत गर्म मसाले लिए हैं, 4 लौंग लिए हैं, 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च, 2 तेज़पात के पत्ते, बेली और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची। गर्म हो गया है, इसके अंदर हमने ये सारे मसाले ऐड कर लिए हैं। कुछ सेकंड्स के लिए सॉटे करेंगे जिससे इनका फ्लेवर अच्छे से ऑयल में आ जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये 7 से 8 प्याज ली हैं, इसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। मीडियम साइज़ के 7 प्याज ले लें और उसको स्लाइस में कट कर लें। इसको हम थोड़ा सा हल्का सा इसको भून लेते हैं। प्याज को हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जब इस पर हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए इतना हमें इसे फ्राई करना है। हल्का ट्रांसलूसेंट होने लगे तब तक प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज को मैंने यहाँ पे देखिए फ्राई कर लिया है और ये हल्की सी गुलाबीपन पे आ गई हैं। अब इसमें अदरक लहसुन मैंने यहाँ पे क्रश करके लिया है, 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का क्रश करके ये मैंने ले लिया है अदरक लहसुन को। क्योंकि हम ये खड़े मसालों का चिकन बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम अदरक लहसुन को क्रश करके लेंगे। देखिए अदरक लहसुन को मैंने भून लिया है, 1-2 मिनट के लिए भून लें, उसके बाद आप इसमें चिकन ऐड करें। चिकन यहाँ पे मैंने 800 ग्राम चिकन लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इसको हम भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता। चिकन एकदम वाइट कलर का हो जाएगा तब तक हम इसको भूनेंगे। हाई फ्लेम कर लें और हाई फ्लेम पर आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे तो आपके चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से वाइट कलर में हो जाना चाहिए इसका कलर। तो इसे भूनते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर मैं यहाँ पे ले रही हूँ और 2 से 3 हरी मिर्च ले रही हूँ। हरी मिर्च को मैंने बीच में से कट कर लिया है और टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर 2 टमाटर का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 टमाटर डाला है क्योंकि मैं इसमें बाद में दही डालने वाली हूँ थोड़ा सा। अगर आप दही को स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्च ऐड की है इसकी जगह पे आप साबुत लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। साबुत लाल मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट करके 3 से 4 हरी मिर्च, 3 से 4 ड्राई रेड चिली आप ले सकते हैं, सूखी लाल मिर्च, और उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं। अब इसमें मसाले मैं डाल रही हूँ, मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक तकरीबन 1 छोटी चम्मच लिया है। सारे मसालों को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आप चाहें तो यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च की जगह पे लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं और चाहें तो आप सूखी लाल मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसे भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। क्योंकि ये खड़े मसालों का चिकन है तो इसमें खड़े मसाले ज़्यादा पड़ते हैं तो सूखी लाल मिर्च इसके अंदर जाती है। सूखी लाल मिर्च को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट के या क्रश करके ऐड कर सकते हैं। अगर लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं कर रहे हैं तो तकरीबन आप यहाँ पर 7 से 8 लाल मिर्च लें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ऐड कर लें। मसालों को मैंने यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब इसको मैं थोड़ी देर कवर करके पकाऊंगी जिससे चिकन थोड़ा टेंडर हो जाए। तो मैं इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने देती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको 4 मिनट के लिए पकाया है और इसे कवर कर दिया था जिससे ये अच्छी तरह से अंदर तक चिकन हमारा थोड़ा सा टेंडर हो गया है, बिल्कुल पका नहीं है लेकिन ये हल्का सा टेंडर हो गया है। मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं दही ऐड करूंगी, आधा कप दही ऐड कर रही हूँ। दही बिल्कुल ऑप्शनल है इसके अंदर, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। दही की जगह मैंने पहले भी बताया है 1 टमाटर एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं, इसमें हल्की सी इसमें खटास होती है इसलिए टमाटर आप यहाँ पे 2 ऐड कर सकते हैं अगर आप दही ऐड नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, पानी को बिल्कुल ड्राई होने तक, बिल्कुल सूख जाने तक हम इसको पकाएंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई कर लिया है, इसे चलाते हुए 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2-3 मिनट में हमारा जो दही है उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा कुछ। ये देखिए
अब हम इस चिकन को तकरीबन 6-7 मिनट के लिए इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। आपको चिकन को कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे कि ये नीचे से लगे ना। आप इसे चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल सकता है, इसलिए आपको कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाना है। मीडियम हाई फ्लेम करके आप इसे पकाएं तो ये बहुत ही अच्छा भून के तैयार होगा। ये देखिए प्याज हमारी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, अच्छे से भून चुका है हमारा सारा मसाला। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैं यहाँ पे 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। 1 कप पानी डाल के हम इसको पकने के लिए रखेंगे जिससे हमारा चिकन कम्प्लीटली कुक हो जाए। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप पानी और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और कवर करके हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे इसे। चिकन को ढक के मैंने 10 मिनट के लिए पका लिया है। चिकन हमारा कम्प्लीटली पक चुका है, बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है चिकन। अब इसको हम चला लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए बहुत ही अच्छी इसमें हल्की सी ग्रेवी बन गई है। इसी तरह का होता है ये चिकन, जो खड़े मसालों का जो चिकन होता है वो बिल्कुल इसी तरह का होता है। आप चाहें थोड़ा पानी डाल के इसमें हल्की सी ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करूँगी। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। मिक्स करेंगे इसे और इसको हम कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे खड़े मसालों का चिकन बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे कवर करके रख देते हैं, थोड़ी देर के बाद आप इसे डिश आउट कर लें। बहुत ही टेस्टी बनता है खड़े मसालों का ये चिकन। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।